वेलकम टू द वीडियो वन ऑफ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को ज़ैम्प में कैसे सेटअप किया जाता है, बट उसके पहले हम देखेंगे कि ज़ैम्प डाउनलोड कहाँ से करना है। आपको पहले जाना है इसी URL पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे ओपन करने के बाद देखिए, आपको ऐसे ये विंडोज़ के लिए ज़ैम्प मिल जाएगा, लिनक्स के लिए ज़ैम्प मिल जाएगा, देन आपको अदर OS है जो OS है उसके लिए एंड अदर्स है उसके लिए। तो आपको अपने सिस्टम के हिसाब से उसको डाउनलोड कर लेना है। 32-bit है तो 32-bit एंड 64-bit का है तो 64-bit का आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अब डाउनलोड करने के बाद सिर्फ उसको क्या करना है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है जहाँ भी आपको उसका पाथ देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाएगा और उसको आपको स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वर्डप्रेस पे जहाँ से हमको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। तो wordpress.org ये URL है, तो हम लोग जाएंगे URL पे और वहाँ पे हम जाएंगे गेट वर्डप्रेस पे। गेट वर्डप्रेस पे जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस पे। फिर ये देखिए यहाँ पे है उसका zip file, तो ये डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4, उस पर आप क्लिक करिए तो उसका zip डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जहाँ भी आप ये zip डाउनलोड करेंगे वहाँ से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैंने क्या किया कि जो इसका ज़ैम्प का फोल्डर है जहाँ पे मेरा वेबसाइट इंस्टॉल हम करेंगे वहाँ पे इसको रख दिया है कॉपी पेस्ट करके। तो आप भी उसको आराम से कट पेस्ट करके सेव कर लीजिए। अभी हम चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे हमने इसे रखा है। देखिए ओपन किया, अभी देखिए उसका पाथ जो है वो प्रोग्राम फाइल ज़ैम्प stdocs और बाकी जैसा भी आप फोल्डर बनाएं उसके हिसाब से फिर या तो एक्सट्रैक्ट हियर करें या फिर फाइल फोल्डर में। तो मैंने एक्सट्रैक्ट हियर किया तो देखिए पूरा फोल्डर आ गया। हमने ज़ैम्प पहले से ही स्टार्ट करके रखा है। तो देखिए अब आपने को जाना है उस URL पे localhost/info/solution/wordpress जो भी आपने लोकेशन या फिर पाथ डाला हो। अब उसके बाद देखिए ये पेज आया, फिर इसमें हमको पहला चाहिए डेटाबेस। तो अब डेटाबेस हमको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए हम जाएंगे लोकल होस्ट phpMyAdmin, वहाँ से जाना है हमको न्यू में। तो न्यू में जाने के बाद हमको अपने डेटाबेस का नाम डालना है और उसको क्रिएट कर देना है। तो हम अपने डेटाबेस का नाम डालेंगे vinfo demo करने के बाद हम क्रिएट करेंगे। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालेंगे vinfo demo, यूज़र नेम डालेंगे रूट, पासवर्ड डालेंगे रूट या फिर MTB रह सकता है आपको, वो आपके सर्वर के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अभी हम MT रखेंगे। लास्ट में 3 टेपल प्रीफिक्स है, 3-4 वर्ड जितना आपको रखना है लेकिन 4 वर्ड रखिए। फिर उसके बाद करिए रन इंस्टॉलेशन। अब देखिए अब क्या मांग रहा है ये आपसे साइट का टाइटल, तो हम रखेंगे vinfo demo। फिर उसके बाद वो आपसे मांगेगा उसका यूज़र नेम जो कि आपको साइट में लॉगिन करने के लिए चाहिए रहेगा। तो आप इसको अभी हम एडमिन रख देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना रखें। फिर पासवर्ड डालिए एडमिन। अब देखिए हमने पासवर्ड बहुत वीक रखा है तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपको वीक पासवर्ड रखना है क्या। तो अभी हम जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखेंगे, जैसे 123 एक्सक्लेमेशन हैश ऐसा कुछ जब हम रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। तो देखिए वो जो वीक पासवर्ड का था वो चला गया। तो आप इस हिसाब से पासवर्ड रखिए। फ़िलहाल हम डमी पासवर्ड रखते हैं एडमिन। कन्फर्म किया, कन्फर्म यूज़ वीक पासवर्ड। फिर आपको नीचे अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, जैसे हमने डाल रहे हैं test.vinfo@gmail.com। ये है जो सर्च इंजन के लिए, जब आप लाइव सर्वर पे काम करते रहेंगे तो इसे डिस्करेज कर दीजिए। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करिए। तो अब हमारा साइट इंस्टॉल हो चुका है, रेडी हो चुकी है। अब आप बैकएंड में लॉगिन करिए, एडमिन पासवर्ड डालिए एडमिन, फिर करिए लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद ये देखिए आपका डैशबोर्ड सेटअप हो गया। अभी जो हमारे डेटाबेस में था, देखिए अभी ये डेटाबेस एम्प्टी था, अभी ये 12 नए टेबल्स आ गए हैं जो कि एक बेसिक सेटअप के बाद ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में आ जाते हैं। इसमें देखिए हमने जो यूज़र नेम डाला है, पासवर्ड डाला है,
यूज़र ईमेल डाला है वो सब इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो अब चलते हैं डैशबोर्ड में, एक बार आपको साइट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी साइट ऐसी दिख रही है अभी। तो अब क्या है, ये जो मेन साइट हमको दिखता है वो थीम की वजह से दिखता है, जो भी है वो कस्टम हो या फिर जो भी है। अभी हम 2019 वाला एक्टिवेट कर देते हैं, फिर देखते हैं साइट कैसी दिखती है। अब देखिए, इसका व्यू अलग है और इसका व्यू अलग है। हम लोग 2017 भी एक्टिवेट करके देख लेते हैं, ये वाला इसको एक्टिवेट करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर और अलग है, मतलब व्यू अलग है। तो जो आपका वेबसाइट है वो आपके थीम पर डिपेंड करता है मोस्टली। आप जो भी कस्टम बनाएं या फिर कोई परचेज थीम कर लें या फिर फ्री थीम ले लें। तो अभी जैसे थीम ऐड करना है तो ऐड न्यू थीम करिए, यहाँ पे आपको फ्री वाली थीम सर्च करके मिल जाएंगे। थीम का नाम यहाँ पे सर्च करिए जो भी आपको चाहिए। तो हम ओशन WP करके एक थीम है, वो हम उसको इंस्टॉल करेंगे इसमें अपने वर्डप्रेस में। ओशन WP या फिर WP ओशन, ये देखिए ओशन WP सर्च करने पे आ गया वो। अब हम करेंगे इसे इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है जैसा भी। फिर इंस्टॉल होने के बाद कर दीजिए एक्टिवेट। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा करंट साइट है वो ऐसा कुछ दिखता है। तो देखिए ये हमारा साइट है, विनपो सॉल्यूशंस डेमो। अभी हमारे पास चार थीम है, तो ऐसा मतलब वेबसाइट को फास्ट रखने के लिए हम क्या करेंगे, WP कंटेंट थीम्स जो अनयूज थीम है, जो हमें यूज़ कभी नहीं पड़ने वाली, उसे हम डिलीट कर देंगे एक बैकअप थीम छोड़ के। तो हमने 2019 है जो बैकअप थीम रखा है। अब देखिए यहाँ से चार की जगह सिर्फ दो ही दिखाई देगा। तो अब हमने सबको सारे टैब्स बंद कर दिए। अब हमारा मेन थीम है और WP ओशन थीम, और सेकेंडरी थीम हो गया WP19। अब क्या हमें इसका चाइल्ड थीम क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने से अच्छा देखिए, इसका चाइल्ड थीम GitHub पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से GitHub से इसका चाइल्ड थीम हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो अब ये लिंक ओपन हो रहा है। अभी देखिए क्लोन और डाउनलोड, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। अभी क्लिक किया डाउनलोड जिप। डाउनलोड जिप करने के बाद वो जिप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिप डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसको क्या करना है आपको, उसको हम लोग डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं बैकएंड में। जैसे ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम, चूज फाइल। अभी यहाँ से देखिए हमने जो अभी जिप डाउनलोड किया था वो जिप है, डाउनलोड किया हुआ जिप को करिए सिलेक्ट, फिर उसे अपलोड कर दीजिए। ये देखिए अब करिए इसे इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ क्लिक करने के बाद वो आपको पूछेगा कि चाइल्ड थीम आपको एक्टिवेट करना है क्या। हाँ, तो हमें चाइल्ड थीम एक्टिवेट करना है। तो अगर हमारा चाइल्ड थीम एक्टिवेट रहता है तो हमारा कभी भी अगर पेरेंट थीम अपडेट होता है तो हमारा जो कस्टम चेंजेस है वो कभी भी नहीं डिलीट होता है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगर पेरेंट थीम अपडेट कर दिया तो हमारा पूरा चेंजेस डिलीट हो सकता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि थीम अपडेट हो चुका है। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा पेरेंट थीम और चाइल्ड थीम में, बस फ़र्क यही है कि जो भी हम चेंजेस करेंगे वो चाइल्ड थीम में होगा। तो उस अगर पेरेंट थीम डिलीट भी होता है तो कुछ फ़र्क नहीं। अब जैसे ये प्लगइन्स चाहिए हमको, ये थीम सजेस्ट कर रहा है कि ये तीन प्लगइन्स चाहिए, एलिमेंटर, ओशन एक्स्ट्रा एंड WP फॉर्म्स। WP फॉर्म्स की जगह पे हम कोई भी फॉर्म और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया और ग्रेविटी फॉर्म्स हो गए और भी कुछ। और एलिमेंटर की जगह पे हम फ्री पेज बिल्डर्स जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और पेड पेज बिल्डर्स जो है जैसे विजुअल कंपोजर हो गया एंड किंग कंपोजर, वैसे सारे बिल्डर्स हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग स्क्रैच से साइट डेवलप कर रहे हैं अपनी, तो हम लोग इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको कर देंगे डिसमिस, इसको भी कर देंगे कैंसिल। तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये हमारा प्लगइन सेक्शन में देखिए एलिमेंटर और जो हमने दूसरा रखा था वो।
देखिए ये इसमें तीन फाइल्स है चाइल्ड थीम में। अब हमको जाना है प्लगइन्स में, देखिए एलिमेंटर और WP ओशन का एक्स्ट्रा वाला प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया है। प्लगइन्स जैसे अभी हमने WP फॉर्म्स इंस्टॉल नहीं किया, तो उसकी जगह पे हम या तो सर्च कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या फिर WP फॉर्म्स या फिर ग्रेविटी फॉर्म्स, जो भी आपको लगे। मेरे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही यूज़ करेंगे, तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करने के लिए ये किया। अब इसको हम लोग कर लेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका प्लगइन सेक्शन में इंस्टॉल हो जाएगा। मीन्स प्लगइन सेक्शन में आपको दिखाई देगा, फिर आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर WP फॉर्म ही चाहिए तो आपको WP फॉर्म्स भी आराम से इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इतने सारे प्लगइन्स हैं। तो प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद भी वैसा कुछ नहीं फ़र्क दिखेगा, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है उसमें। तो अभी एक इसका थीम पैनल दिखाता हूँ मैं आपको, जो इसका थीम है। ये आता रहता है ये डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उसे स्किप कर देंगे, कुछ देंगे नहीं उसको, उसको स्किप कर देंगे। अब देखिए ये कुछ कस्टमाइजर सेक्शन है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर ये है सेटिंग्स, जिसमें हमारा देखिए टैगलाइन, URL, ये जो है सब फॉर्मेट्स है उस हिसाब से। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक सेटअप वर्डप्रेस का सेटअप कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हमने सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल किया है और थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है, बाकी कुछ नहीं किया, लॉग आउट किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।